Assalamu alaikum dear audience. In the last lecture, we talked about the forebrain. We have completed the forebrain so far. Now, today we are going to talk about midbrain. As I have already told you in one of my previous lectures, midbrain is also called as mesencephalon. जैसा हमने इससे पहले भी कहा है कि मिड ब्रेन को हम मेसेंसेफेलॉन भी कहते हैं. नाउ मिड ब्रेन में सिर्फ दो पार्ट्स आते हैं, क्योंकि हमने ब्रेन का डायग्राम देखा था. अगर मैं यहां पे रफ बनाऊं, ये है सेरेबेलम, सेरेब्रम एंड दिस, ये था ब्रेन का डायग्राम, ये था सेरेब्रम और ये सेरेबेलम जिसकी अभी हमने बात नहीं की है, और यहाँ पे हमने बनाया था मेडुला ऑब्लॉन्गेटा एक्सेट्रा, उसकी भी हम बात करने वाले हैं. ये है हमारा कॉर्पस कैलोसम और यहाँ पे हमने बनाया था एपिथैलेमस, थैलेमी एंड हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे कहीं पे बनाया गया था पिट्यूटरी. ये तो प्रीवियस लेक्चर में, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आपको मिलेगा ये लेक्चर. नाउ मिड ब्रेन में कौन कौन से दो पार्ट्स आते हैं? मेसेंसेफेलॉन के दो मेन पार्ट्स होते हैं. नंबर वन इज ऑप्टिक लोब्स एंड नंबर नेक्स्ट इज सेरेब्रल पेडंकल्स. सेरेब्रल पेडंकल्स, अगर हम ऑप्टिक लोब्स की बात करें, दीज आर टू लार्ज साइज लोब्स, टू लार्ज साइज लोब्स. अगर उनका स्ट्रक्चर बनाया जाए कुछ इस तरह का होगा, वन लोब, देन देयर इज अनदर लोब. ओके, ये एक लोब है और इसे माना जाएगा दूसरा लोब है. ओके, ये एक लोब है, दिस इज वन लोब एंड दिस इज सेकंड. अगर आपका ध्यान इसकी तरफ गया होगा जिस वक्त हम ये बना रहे थे, दिस इज वन ऑफ द लोब्स, लेकिन इसमें आपने देखा ये कॉन्स्ट्रिक्शन है. इस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ये लोब दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. सिमिलरली लेफ्ट लोब जो इसका है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है बिकॉज ऑफ ए कंस्ट्रक्शन. इस कंस्ट्रक्शन की वजह से ये दो लोब्स जो है, दीज आर डिवाइडेड इनटू फर्दर टू लोब्स, सो दे आर इन टोटल फोर लोब्स. सो दीज आर फोर लोब्स इन टोटल. इस फोर लोब्ड स्ट्रक्चर को हम असल में कहते हैं क्वाड्री जेमिना, इट्स कॉल्ड एज क्वाड्री जेमिना. अगर हम इनका फंक्शन देखेंगे, these optic lobes control movements of head, eyes and trunk in response to the vision and the sound, to vision and sound, आवाज और कोई भी चीज जो नजर आए उसके रेस्पॉन्स में ट्रंक को, हेड को या आईज को मूवमेंट कराने में मदद करता है ऑप्टिक लोब्स. और वी कैन से विजुअल रिफ्लेक्सेस और साउंड रिफ्लेक्सेस को रेस्पॉन्ड करते वक्त जो मूवमेंट्स होते हैं ऑफ हेड, ट्रंक एंड आईज, They are controlled by the optic lobes. It's one of the parts of the midbrain. Another part is cerebral peduncles. Cerebral peduncles are bands of neurons. ये neurons के बने हुए bands हैं. Also two in number, which are two in number.
दे आर ऑल्सो टू इन नंबर। और ये सारा स्ट्रक्चर जो होता है इट इज समवेयर बिलो द डायन्सेफेलॉन हिडन अंडर द सेरेब्रम। अब इसका काम अगर हम देखें सेरेब्रम सेरेब्रल पेडंकल्स का काम अगर हम देखें दे फॉर्म ए लिंक बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन प्रोजेंसेफेलॉन एंड रोम्बेंसेफेलॉन। सो ऑप्टिक लोब्स एंड सेरेब्रल पेडंकल्स। ऑप्टिक लोब्स आर टू इन नंबर। नाउ दे आर टू लार्ज साइज लोब्स बट ईच ऑफ दीज टू इज डिवाइडेड इन टू टू पर्टिक्युलर लोब्स। इन दोनों में से हर कोई दो फर्दर लोब्स में डिवाइड होता है जिसकी वजह से ये फोर लोबड स्ट्रक्चर बनता है और इसे क्वाड्री जेमिना कहते हैं। और इसके बारे में हमने कहा कि ये कंट्रोल करता है हेड मूवमेंट्स आई मूवमेंट्स और ट्रंक मूवमेंट्स को इन रेस्पॉन्स टू द विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो फोर लोबड स्ट्रक्चर है यहां इस वाले हिस्से को कहते हैं एक लोब के इस वाले हिस्से को कहते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई एंड इसे कहते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। उसके बाद हमने बात की सेरेब्रल पेडंकल्स की। दे आर बैंड्स ऑफ न्यूरॉन्स, दे आर टू इन नंबर एंड दे फॉर्म ए लिंक बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। दिस इज मेसेंसेफेलॉन और मिड ब्रेन सिंपली। सो हियर समवेयर मे बी द मिड ब्रेन क्वाड्री जेमिना एंड देन देयर विल बी द पर्टिक्यूलर सेरेब्रल पेडंकल्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट्स लिम्बिक सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन दिस वेरी रीजन ऑफ द ब्रेन। वायर इज इट एक्चुअली प्रेजेंट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। We are going to talk about the limbic system now. Limbic system has some parts. We will talk about the functions of it also. So first, it has a part called as amygdala. There is a part called amygdala. And another part of it is called as hippocampus. H-I-P-P-O-C-A-M-P-U-S, hippocampus. Hippocampus. Now, where are these all parts present? Let's talk about that. ये जो amygdala होता है, amygdala is present below the thalamus. क्योंकि आप लोगों ने अगर previous playlist पढ़े होंगे तो आपको इन चीजों के नाम पता होंगे। This is the corpus callosum, ये है thalamus, इसके ऊपर epithalamus and नीचे hypothalamus. So, thalamus के नीचे almond shaped एक part होता है which is called as amygdala. So this is the amygdala. A-M, amygdala. Now, इस amygdala से शुरू होता है a horn-shaped structure जो फिर जाता है corpus callosum के interior side तक, corpus callosum उसके interior side तक, lower side तक वो चला जाता है। ये horn-like structure जो है इसे hippocampus कहते हैं, hippocampus. Now, करता क्या है ये हिपोकैम्पस या amygdala? Amygdala जो होता है इट कंट्रोल्स इमोशंस या इमोशनल कंट्रोल के लिए amygdala जरूरी है। कौन से इमोशनल कंट्रोल? फॉर एग्जाम्पल एंगर, एग्रेसिवनेस, सेक्सुअल डिजायर्स या सेक्सुअल बिहेवियर। Threat or fear, etc. ये amygdala करता है। Now hippocampus जो है, hippocampus is responsible for converting, और मैं लिख सकता हूं it converts short term memory into long term memory. ठीक है, दैट मीन्स जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है
यू आर वॉचिंग द वीडियो, सो दिस इज योर शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये जो अभी हो रहा है करंट। उसके बाद जब फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन गुजर जाते हैं तो जो चीज हम याद दिलाते हैं इट इज आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी इज कन्वर्टेड इन टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी बाय द हिपोकैम्पस। सो हिपोकैम्पस कन्वर्ट्स द शॉर्ट टर्म मेमोरी इन टू द लॉन्ग टर्म एंड एमिग्डाला इट कंट्रोल्स आवर इमोशंस। सो दिस इज द फंक्शन व्हाट द लिम्बिक सिस्टम डज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एमिग्डाला के बारे में एक रिसर्च किया गया जिसमें अगर एनिमल्स का एमिग्डाला निकाला जाए, एनिमल्स के ब्रेन से एमिग्डाला निकाला जाए तो फिर उन एनिमल्स को ट्रेन करना ईजी होता है। वाई? बिकॉज दे हैव दे आर नाउ डिवाइड ऑफ द इमोशनल कंट्रोल, सो उनका एंगर या उनका एग्रेसिवनेस वो कम हो जाता है जिसकी वजह से उनको ट्रेन करना ईजी होता है। सो एमिग्डाला डज द थिंग, इट कंट्रोल्स द एंगर एंड ऑल अदर पर्टिकुलर इमोशंस लाइक फियर एटसेट्रा, एंड हिपोकैम्पस कन्वर्ट्स द शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो दिस वॉज अबाउट द मेसेंसेफलम और मिड ब्रेन, और इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द रोम्बन सेफलम। टिल देन थैंक यू।